हे गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंतरा ब्यूटी वर्ल्ड और मैं अंतरा। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर गुड। एंड आज का वीडियो होने वाला है स्किन केयर एंड सीटीएम के ऊपर। ये बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी सीटीएम क्या होता है, सीटीएम के बारे में हमें बताइए डिटेल से एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ सीटीएम बताइए। तो आज मैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ आपको सीटीएम करना बताऊंगी। इंडियन स्किन केयर रूटीन होने वाला है आज स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए, तो ऑयली स्किन वाले से स्किप ना करें। मैं नेक्स्ट बार आप लोगों के लिए भी वीडियो लाऊंगी एंड ड्राई स्किन वालों के लिए खासकर है, क्योंकि मेरी भी स्किन ड्राई है तो मैं उसके लिए लाई हूँ। एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, आप लोग देख सकते हो एंड आपको अच्छा लगे तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप उसे मंगा सकते हो वहाँ से। पहले हम बात कर लेते हैं सीटीएम होता क्या है। सीटीएम का मतलब होता है क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन करेंगे, तो क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये गुड वाइब्स का लेमन ब्राइटनिंग फॉर्मिंग फेस वॉश। तो हम इसे क्लीन करेंगे अपना फेस। सी गाइस, ये फॉर्मिंग फेस वॉश है, तो आप ये फॉर्म की तरह निकलेगा। आपको 2-3 पम्प्स लेने हैं एंड मैं अप्लाई करूँगी। बाल टाई नहीं की एक्चुअली, अब इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे और ऑल ओवर फेस एंड इसे अच्छे से मसाज करेंगे 2-3 मिनट एंड इसे वॉश कर लेंगे। मैं आती हूँ वॉश करके। सो आप देख सकते हो मेरा फेस अच्छे से क्लीन कर दिया है इसने एंड हम डैप करके उसको पोंछ लेंगे। मैं हमेशा डैप करके ही पोंछना है। तो आप क्लींजिंग मिल्क बहुत ज़रूरी है, बट मैं नहीं रखती क्योंकि मैं या तो टिश्यू से क्लीन कर लेती हूँ या फिर गुड वाइब्स के या फिर अपना जो भी फेस वॉश है आप उससे क्लीन कर सकते हो। ये तो मैं अक्सर फेस वॉश ही कर लेती हूँ, उससे मुझे ज़्यादा अच्छा क्लीनिंग मिलता है। तो आप देख सकते हो कितना क्लीन हो गया मेरा फेस एंड अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। स्टेप है टोनिंग। आप टोनर कोई सा भी ले सकते हो, आप रोज़ वाटर भी ले सकते हो, मुझे सबसे अच्छा रोज़ वाटर ही लगता है। मेरा ख़त्म हो गया तो मैंने ये बायोटिक का बायो हनी वाटर, ये भी बहुत अच्छा रोज़ वाटर है। बायोटिक एक्चुअली 100% आयुर्वेदिक है तो मुझे ये बहुत पसंद है। ये बायोटिक का है एंड ये जीवा आयुर्वेदा का है, आप कोई सा भी टोनर ले सकते हो। मैं यहाँ बायोटिक का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एक्चुअली ये स्प्रे इसमें नहीं आता, ये मैंने खुद से लगा रखा है। तो आप देख सकते हो टोनिंग करने के बाद हमें अपना फेस डैप डैप करना है, जिससे जो प्रोडक्ट है वो अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। एंड मैंने जो आपको प्रोडक्ट बताया है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। ये 175 का है, बट ये हमेशा purple.com पे सेल चलती रहती है, तो ये आपको 165 का कभी नहीं मिलेगा, कम में ही मिलेगा। एंड ये जीवा आयुर्वेदा का ये है, एक्चुअली मेरे को इसकी रेट नहीं दिख रही। हाँ, ये 300 है इसकी MRP, बट ये 300 में नहीं मिला था मुझे। एक्चुअली मुझे नायका पे ओनली 100 का मिल गया था जब ये सेल चली थी तब। बाय कर सकते हैं। एंड मैं फेस वॉश की भी आपको रेट बता दूँ, ये 215 का है, बट मैंने जब इसे परचेज किया तो ये मुझे 165 सम मिला था। purple.com पे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं एंड काफ़ी अच्छी रेंज में, क्योंकि वहाँ ऑफर्स बहुत चलते हैं। एंड मैंने purple.com से कुछ सामान भी मंगाया है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका हॉल वीडियो आपसे शेयर करूँगी। एम यानी कि मॉइस्चराइजर, एंड मॉइस्चराइजर के लिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगी बायोटिक का ही। ये मॉर्निंग नेक्टर है, ये ऑल स्किन टाइप का है, आप किसी भी स्किन टाइप वाले से यूज़ कर सकते हैं एंड ये बेस्ट है। मुझे ये बेस्ट लगता है एक्चुअली, मैं विंटर समर ऑल टाइम मैं इसे ही यूज़ करती हूँ एंड आप लोग भी कर सकते हो एंड अफोर्डेबल भी है। एंड मैं इसे यूज़ करके बताती हूँ। गाइस, कितना अच्छा ग्लो देता है ये एंड ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी चिपचिपा या फिर गंदा सा नहीं बनाता। इसे अप्लाई करने के बाद मैं मेकअप भी यूज़ कर लेती हूँ, कुछ भी करती हूँ, हाँ एक नंबर। और इसका रेट मैं आपको बता दूँ, ये 280, ये एक्चुअली बड़ा वाला पैक है तो ये 280 का प्राइस है, बट मुझे ये 165 में एक्चुअली मिल गया था। एंड इसका जो छोटू वाला आता है वो आता है 199 का, वो आपको 150 में मिल जाएगा। कमेंट आए थे, दीदी मेकअप से पहले का स्किन केयर रूटीन बताइए, तो आप मेकअप के पहले यही होता है सीटीएम।
तो आप ये देख लीजिएगा। एंड आई होप यू आप लोग समझ गए होंगे कि सीटीएम क्या होता है। एंड हम चलते हैं स्किन केयर पर। सो डियर, स्किन केयर के लिए सबसे जरूरी होता है सीटीएम, वो हमने कर लिया। एंड उसके बाद जो जरूरी होता है वो है स्क्रब, एक्सफोलिएट। अगर हम एक्सफोलिएट नहीं करते तो हमारे स्किन में जो गंदगी, डर्ट जो जम जाती है वो निकल नहीं पाती। तो वीक में एक या दो बार हमें एक्सफोलिएट जरूर कर लेना चाहिए। ये गुड वाइब्स का है मैंगो स्क्रब, मैंने इतना यूज़ किया एक्चुअली, आप देख सकते हैं इसे, ये बहुत ही अच्छा है। एंड वीक में आप इसे एक बार यूज़ करें एंड एक्सफोलिएट कर लें अपनी स्किन को। तो एवेरुथ का एंड बायोटिक का भी ले सकते हैं। मैं बायोटिक का भी यूज़ किया था, बट मुझे ये गुड वाइब्स का ज़्यादा अच्छा लगा बायोटिक से। एंड बाकी और भी आते हैं मार्केट में, बहुत सारे आते हैं स्क्रब, तो आप कोई सा भी स्क्रब कर सकते हैं यूज़। आपने देखा मैंने अभी सीटीएम किया, तो मैं दिन में तो इतना ही करती हूँ, सीटीएम करती हूँ, उसके बाद लिप बाम एंड आईब्रो पे कुछ यूज़ करती हूँ। बाकी रात को जब मैं स्किन केयर करती हूँ तो रात को मैं पहले यूज़ करती हूँ अपना ये फेस वॉश, पहले मैं फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ये गुड वाइब्स का सीरम। ये सीरम है, ऑयल बेस है। 2-3 ड्रॉप्स आपको अपने फेस पे लगाने हैं एंड ब्लेंड करना है सर्कुलर मोशन में। एंड ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है एंड काफ़ी अच्छा है ये सीरम। एंड गुड वाइब्स में बहुत सारे सीरम्स हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हैं, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। सॉरी, एक्चुअली ये मुझे मिला था 199 इसकी प्राइस है, बट हमेशा की तरह पर्पल पे सेल चलती रहती है, तो 199 में तो ये मुझे नहीं मिला होगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है, बट मैं इसका भी डिटेल में डाल दूँगी आपको। एंड उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल, पतंजलि का यूज़ करती हूँ मैं। बहुत सारे आते हैं मार्केट में, बट मुझे पतंजलि पर्सनली बहुत पसंद है, बाबा रामदेव, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। हो गया, मैं उतना ज़्यादा नहीं करती। उसके बाद मैं सिंपल सी निविया या फिर कोई भी लिप बाम, मैंने होममेड लिप बाम भी बनाई है तो मैं वो लगा लेती हूँ लिप बाम। एंड फाइनली मेरी आईब्रो का जेल, मैं ये स्किप नहीं करती एक्चुअली, ये मैंने घर पे ही बनाया है जेल। आप लोग बोलेंगे तो इसकी रेमेडी मैं आपसे शेयर करूँगी। एक्चुअली आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं, मैं कभी कभी फिंगर से भी लगा लेती हूँ। इससे हमारी आईब्रो डार्क एंड थिक हो जाती हैं। मेरी आईब्रो पहले बहुत झड़ती थी गाइस, सीरियसली, एंड बहुत पतले भी हो गए थे हेयर, तो फिर मैंने इसे यूज़ किया। ये मैंने होममेड ही बनाया है एंड इससे डार्क भी हुए हैं एंड अब झड़ना ही बंद हो गई, मेरी आईब्रो अब बिल्कुल भी नहीं झड़ते हैं। डियर मेरा हो गया, मैं इतना ही यूज़ करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाती मैं अपने फेस पर। बस है मेरा स्किन केयर रूटीन एंड सीटीएम, तो कुछ भी महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है सब, तो आप भी यूज़ कर सकते हो ये सब। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। आप लोग लाइक नहीं करते हो एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप लोग कमेंट करते हो, मैं पढ़ती हूँ एंड मैं धीरे धीरे उनका सबका वीडियो बनाऊँगी। सो बाय बाय, टेक केयर।